नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हाथ पैर फूलने लगते हैं, लेकिन सौभाग्य से चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के द्वारा साइंस और मेडिकल काफी एडवांस कर लिया गया है। इन्हीं की बदौलत कैंसर का इलाज भी मुमकिन है। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने और जीतने के लिए आपको सिर्फ सही जानकारी होना जरूरी है। ऐसे में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैंसर की कई स्टेज होती है। कई बार ट्यूमर कैंसर की एक ही स्टेज के अंदर कम से लेकर ज्यादा गंभीर तक भी हो सकती है। ऐसे में कैंसर की सबसे पहली स्टेज 0 होती है। इसे कार्सिनोमा इन सिटू या CIS भी कहते हैं। इस स्टेज में सेल कैंसरस नहीं होता, लेकिन भविष्य में बनने का खतरा जरूर होता है। कैंसर स्टेज 0 में असामान्य कोशिकाएं मौजूद तो होती हैं, लेकिन आसपास के टिश्यूज तक नहीं पहुंचती। वहीं कैंसर की स्टेज 1 में असामान्य कोशिकाएं कैंसरस हो जाती हैं। हालांकि अभी भी ट्यूमर छोटा होता है और अपने उद्गम जगह से कहीं और नहीं फैला होता है। इसे प्राइमरी कैंसर भी कहते हैं। वहीं कैंसर की स्टेज 2 से कैंसर वाली कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण ट्यूमर बड़ा होने लगता है, लेकिन अभी भी ये कहीं फैला नहीं होता। इस स्टेज से कैंसर गंभीर होने लगता है। कैंसर की स्टेज 3 से हालात बेकाबू होने लगते हैं, जिसमें कैंसर द्वारा ट्यूमर बड़ा हो जाता है और आसपास के टिश्यूज और लिम्फ नोड्स तक फैल जाता है। वहीं कैंसर की आखिरी स्टेज 4 होती है। ये काफी खतरनाक है और जानलेवा साबित हो सकती है। इस स्टेज में कैंसरस ट्यूमर आसपास और दूर के दूसरे शारीरिक अंगों तक भी फैल चुका होता है। इसे सेकेंडरी और मेटास्टेटिक कैंसर भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।